कोरबा जिले में खनिज न्यास मत में घोटाले को लेकर राजस्व मंत्री जय सिंह अग्रवाल ने कहा है कि मामले की जांच हो रही है, जो भी दोषी होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। तो वहीं उन्होंने राज्य में वित्तीय संकट को लेकर कहा कि खाली खजाना विरासत में मिला है, केंद्र सरकार से फंड मिलने के बाद स्थिति सामान्य हो जाएगी। छत्तीसगढ़ शासन के राजस्व मंत्री जय सिंह अग्रवाल ने डीएमएफ फंड में गड़बड़ी को लेकर पहले भी आवाज उठाई थी। प्रदेश में जब भाजपा की सरकार थी, दुर्भाग्यपूर्ण उस समय सरकार ने इसकी जांच करवाना मुनासिब नहीं समझा था। खनिज न्यास मद में घोटाले को लेकर भाजपा के प्रतिनिधि भी निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं, लेकिन इसमें बदलापुर की राजनीति का जुमला भी चिपका रहे हैं। नियमितताओं की शिकायत लगातार मिलती रही, जिस पर मैंने तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर अमन सिंह जी से भी चर्चा की थी, मैंने लिख के भी दिया था, लेकिन उस समय वो जांच नहीं कराई गई। अभी मुझे जानकारी मिली है कि पुनः किसी ने शिकायत की है उसमें, और उसमें जांच चल रही है, और कुछ उसमें जो गड़बड़ियां हैं वो उजागर हो रही है, अखबारों के माध्यम से देखने को मिला है। राजगढ़